ସୀମାରେ କଡ଼ା ପହରା ଚେକପୋଷ୍ଟ କରି ଜଗିଛି ପୋଲିସ। ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଚେକିଂ ଓ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପରେ ମିଳୁଛି ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି। ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତିନିଟା ମେନ୍ ବର୍ଡର ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଯାତାୟାତ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେ ବି छोटो मोटो भी रास्ता अच्छी ताकू भी बंद करने को आम निष्पत्ति नहीं आज सका छुड़ा आरंभ हो जाए। मैंने प्रवासी मैंने मोटो बॉर्डर चेक पॉइंट को आसुँच से किपरि भल भाव निज अंचल को जापरें से प्रशासन तरफ समस्त व्यवस्था करा डिटेल रेजिस्ट्रेशन करा रेजिस्ट्रेशन करागलापर से निज गंतव्य पथक किपर जीवे से व्यवस्था प्रशासन तरफ बस्र व्यवस्था करा। कोरोना चेन रे ब्रेक लगाइबाकू राज्य रे लॉकडाउन चली ठप होईची ओडिशा। दिन 12टा जाए अत्यावश्यक सामग्री दुकान खोली थला, तापरे चारियाडे सुनसान। केवल जरूरी सेवारे नियोजित गाड़ी चली। बाहर को बाहरुछंती अनुमति थिबा लोक, जे नियम भांगुची ताकू धरुची पुलिस। एजाए कोविड गाइडलाइन उल्लंघन अभियोग रे 15 कोटी टंका फाइन आदाय होईची। मास्क पिंधि नथिबारू पुलिस आदाय करिची 6 कोटी टंका। 553 गिरफ होईचंती। टोटल 15 कोटी टंका से टिके बेसी पैसा आमे फाइन रूप रे अदाय करिछु। 3 प्रकार कैटेगरी अछि। गोटे जे मास्क वायलेट करूछंती से माने से आमे 6 कोटी 34 लाख उधर टंका अदाय करिछु। जो माने सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट करिछंती तांका से टंका अदाय करिछु। हम जे माने गाड़ी रे दुरुपयोग करूछंती ए टाइम रे तांका से 8 कोटी 29 लाख टंका अदाय करिछु। टोटल 553 जन को अरेस्ट करिछु। 21,406 गाड़ी सीज करा जाई छी। इमरजेंसी आपन को जदी क्रिमेशन हेल्थ इमरजेंसी जो कोन सी इमरजेंसी ही जाउ छी 100 नंबर ऊपर डायल करंतु और हमारा पुलिस कंट्रोल रूम आपन को सब प्रकार रा सहायता प्रदान करियो। महामारी मुकाबला पे कड़ा पदक्षेप नै छंती सरकार। 14 दिनिया लॉकडाउन चली। केवल मास्क पिंधिबा सुरक्षा कवच, सामाजिक दूरता रक्षा सह दुकान आगे सर्कल करने को कही पुलिस। लॉकडाउन बेले थाना को न आसी कौनसी अभियोग और आपत्ति थिले फोन करी जणाइबा को कहिसेंती पुलिस डीजी।